ओम नमो नारायण। मैं अरुणाबेन पी गोस्वामी सूरत से आपका स्वागत करती हूँ अरुष किचन हिंदी में। आज हम बनाएंगे हल्दी की सब्जी। हल्दी की सब्जी बनाने के लिए ये हमने हल्दी ली है आधा किलो, जो इस तरह की अभी आती है ठंडी में, तो ये ठंडी में हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो ये हमने आधा किलो ली है, उसका छिलका निकाल के कद्दूकस कर लिया है, और 250 हमने मटर लिए हैं, हरे मटर के दाने, और 4 हमने हरे प्याज लिए, इसको हमने इसे काट लिया है। थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है और थोड़ा सा हमने हरा लहसुन लिया है। 2 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। थोड़ा सा अदरक लिया है, उसको हमने उसे कद्दूकस कर लिया है। नमक चाहिए हमें स्वाद के अनुसार। ये धनिया जीरा पाउडर लिया है 1 चम्मच, और 3 हमने हरी मिर्च ली है, उसको भी ऐसे काट लिया है, और ये थोड़ा सा हमने सूखा लहसुन लिया है, उसको भी ऐसे काट लिया है छोटा छोटा, और ये हमने देसी घी लिया है, क्योंकि ये घी में ही बनती है और घी इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये 1 कटोरी है, इतना हमने घी लिया है, और पानी चाहिए थोड़ा हमने मटर को उबालने के लिए। पहले हम ये मटर को उबालने के लिए रख देंगे, तो इसमें हम पानी डाल देंगे और मटर के दाने डाल देंगे, और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। और इसको हम रख देंगे गैस पर। ये उबल जाएगा तब तक हम इसमें हल्दी को सेक लेंगे। हमें घी में एकदम हल्दी को सेकना है, तो ये कढ़ाई लिए हमने, गैस चालू करेंगे और इसमें हम घी डालेंगे। ये देसी घी में ही बनता है। पहले हमने इसे आधा घी डाला है, फिर जरूरत के हिसाब से हम डालते रहेंगे। घी को थोड़ा हम मेल्ट होने देंगे ऐसे। अब इसमें हम ये हल्दी डाल देंगे। और इसको हम ऐसे घी में हिलाते रहेंगे। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम घी डालेंगे। एकदम जैसे हल्दी का कच्चा टेस्ट नहीं आना चाहिए, तब तक हमें सेकना है घी में इसको। इसको हमें 5 मिनट हुई है, और अब 5 मिनट और हम इसको सेकेंगे। थोड़ा सा तो नीचे तले पे लगेगा, ये हल्दी है तो अदरक हल्दी है, तले पे चिपकता है थोड़ा बहुत। तो इस पर हम 1 चम्मच और घी डालेंगे और 5 मिनट और इसको हम सेकेंगे ऐसे। ये हल्दी हमने सेक ली है, इसे 10 मिनट तक इसको सेकना है इस तरह से। जैसे घी अलग हो जाएगा हल्दी से इस तरह से, तब तक हमें सेकना है इसको। मटर भी उबल गई है, तो इसको हम बंद कर देंगे गैस, और मटर को हम निकाल लेंगे। और इसको हम साइड में रख देंगे। इसमें हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। अब इसमें हम गैस हम कम रखेंगे, इसमें हरी मिर्च डाल देंगे।
और ये लहसुन डाल देंगे और अदरक डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम हरा लहसुन डाल देंगे और हरी प्याज डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे इसको बराबर सही से। थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे, हरा धनिया। सब इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और ये लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप तीखा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ऐसे थोड़ी देर प्याज को हम इसमें पकाएंगे 2 मिनट के लिए। हिलाते रहना है क्योंकि ये तले पे चिपकता है, हल्दी है ना। ऐसे अब इसमें हम मटर डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब 2 मिनट पकाएंगे इसको, बीच बीच में हिलाते रहेंगे। 2 मिनट हो गई है तो प्याज अपनी पक गई है, कि हरी प्याज है उसको पकाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसको हम गैस बंद कर देंगे और नीचे उतार लेंगे। अब इसको हम सर्व करेंगे। घी हमने पूरा ही डाल दिया है इसमें, थोड़ा सा बचा था वो ऊपर से डाल दिया है। तैयार है अपनी हल्दी की सब्जी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कमेंट करके कहना कि आपको कैसी लगी है हल्दी की सब्जी।